सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम 3 इंच के स्लीव्स की कटिंग करेंगे और साथ में उसकी करेंगे स्टिचिंग भी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि 3 इंच की स्लीव बताइए आप, तो आज मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 10 कमेंट आ जाते हैं मेरे को खाली रिक्वेस्ट की वीडियो, अलग अलग तरह के लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे सबकी रिक्वेस्ट पूरा करूंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लीव के लिए मैंने ये लिया है कपड़ा। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ पहले। तो ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है मैंने, और यहाँ से फोल्ड साइड है। तो मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ पहले कि मैंने लंबाई कितनी ली है। तो मैंने लंबाई इसकी ली है 6 इंच और इसकी चौड़ाई 4 फोल्ड से 10 इंच है। तो अब हम अपने निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक निशान इस तरीके से डालेंगे, और यहाँ से जो कि 3 इंच की हमारी स्लीव है, रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि मैम 3 इंच की स्लीव बनाना बताइए। तो आप इस तरीके से 3 इंच की भी बना सकते हैं और 2.5 इंच की भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच की बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंच, जो कि हमारी स्लीव बनेगी 3 इंच की, और 1/2 इंच ऊपर भी जाएगा फोल्ड होने के लिए, और 1/2 इंच से भी कम जो कि हमें नीचे भी चाहिए। तो ये पूरा हो गया, 4.25 हो गया है हमारा। तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम शेप देंगे, फ्री शेप देंगे अभी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी फ्री शेप दी हुई है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये शेप जो होती है आर्महोल की, आप किस तरीके से दे सकते हैं। वैसे तो ब्रेस्ट का 5वां हिस्सा लेते हैं, फिर भी कभी जब हम आर्महोल में इसको ज्वाइंट करते हैं तो कभी ये बड़ा या कभी छोटा हो जाता है। तो आपको परफेक्ट जो कि हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाए वो लेना, मैं आपको बताती हूँ। तो जिस पे मैं इसको ज्वाइंट करने वाली हूँ वो कपड़ा उठाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है वो कपड़ा, इस पे मैं ज्वाइंट करने वाली हूँ। अभी मैंने इसका फ्रंट पीस नहीं काटा है, जो फ्रंट आर्महोल होता है वो मैंने नहीं काटा है, और मैं अभी इसका नाप ले लूंगी। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ूंगी पहले, जो कि वो दबेगा हमारे शोल्डर में, और ये मार्जिन का भी छोड़ूंगी जो कि यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी फिटिंग की। तो मुझे चाहिए यहाँ से नाप, मैं अच्छे से नाप लूंगी इसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आ रहा है पूरा 8 इंच। तो इसको मैं अलग रख दूंगी पहले, और बाद में मैं इसका फ्रंट भी काट लूंगी। तो मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से 8 इंच ले लूंगी। तो यहाँ पे आया है, आप चाहें तो ये शेप हमारी यहाँ पे चली गई है, आप इस तरीके से दे दें अभी ये शेप। अब फ्रेंड्स, 3 इंच का स्लीव लेने के लिए आपको 1.5 इंच तकरीबन नीचे जाना पड़ेगा, और ये हमारा इतना 8 इंच की हमारी स्लीव ज्वाइंट हो जाएगी हमारे, जिसमें भी हम ज्वाइंट करेंगे ब्लाउज कुर्ता या किसी में भी, और ये इतना हमारा मार्जिन रहेगा इसमें। तो 1.5 इंच हम नीचे ले लेंगे, ये 1.5 इंच हमारा आ गया नीचे। अब इस वाले निशान से हमें यहाँ पे गोल शेप देनी है। ये जो 3 इंच की स्लीव होती है इसमें इसी तरीके से आता है फ्रेंड्स गोल शेप, क्योंकि हमें यहाँ पे भी मार्जिन चाहिए होता है। अगर हम सीधे से ही काट लेंगे तो यहाँ पे मार्जिन हमारा नहीं रहता, जो कि हमें कुर्ती अटैचिंग में भी प्रॉब्लम देगा, इसीलिए हम इसको इसी तरीके से काटते हैं। यहाँ पे हम हल्की सी गोल शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव हो गई है, और हम अभी फ्रंट का निशान भी लगा लेते हैं, जो कि हमारा फ्रंट में जॉइंट होता है उसका भी निशान लगा लेते हैं हम। ये हमारा बैक में जॉइंट होगा ये वाला निशान, और ये हमारा फ्रंट में जॉइंट होता है, जैसे कि हम कुर्ती में भी करते हैं। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बॉटम। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने जो फोल्डिंग का कपड़ा है वो यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोल शेप है, और हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखते भी एक्स्ट्रा, तो जब हम फोल्ड करते तो उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। जो तिरछी पट्टी होती है हमारी, उसको हम इसमें बड़ी ही आसानी से गोल जगह पे लगा सकते हैं, और आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया है, और अब हम इसका ये फ्रंट भी कट कर लेंगे।
पहले यहाँ पे मैं सेंटर में एक कट दूंगी। और फ्रेंड्स एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि ये जो बीच का हमारा सेंटर है, ये जो हम कट लगाते हैं, ये कभी भी हमारे जो हमारा शोल्डर होता है उससे ये मैच नहीं होता है। इसको मैच होना चाहिए जब भी हमारी जो परफेक्ट स्लीव है हम उसको लगा पाते हैं। और मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगी। पहले हम इसका फ्रंट काट लेंगे। एक कट पहले मैं यहाँ पे दूंगी इस तरीके से, ताकि हमें पता रहे यहाँ तक हमें रखना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बॉटम है मोरी, तो मैंने इसमें पहले नाप नहीं लगाया था क्योंकि ये गोल शेप देने के बाद ही इसमें हम मोरी का नाप देंगे। तो अब हम हमारी जो मोरी है वो है 6.5 इंच, तो मैं इसको नाप के निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा 6.5 इंच इस तरीके से जाएगा। इसका फ्रंट भी काट लेते हैं, इस तरीके से उठाना है। तो फ्रेंड्स ये कट गई हमारी टू स्लीव्स। अब जो हमारी कुर्ती जिसमें हमें इसको अटैच करना है उसका भी हम ये आर्म होल काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव है, ये इसका रॉन्ग साइड है और ये वाला भी रॉन्ग साइड है, और जो दोनों अंदर के साइड हैं ये हमारे राइट साइड है। तो चलिए मैं आपको अब मशीन पे दिखाती हूँ इसको सील के। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले तो ये बात बताना चाहूंगी कि ये जो कपड़ा है जिसपे मैं बाजू ज्वाइंट करूंगी ये फेयर कपड़ा नहीं है, ये डेमो पीस है और सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने लिया हुआ है। तो इसमें मैंने नेक नहीं बनाया है, वैसे पहले नेक बनाते हैं उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, तो ये फेयर कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे और फिर शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हम ये जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ये देंगे। तो मैं बाद में आपको इसके बाद स्लीव बनाना बताती हूँ, पहले ये काम कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं आपको 3 इंच की स्लीव्स बता रही हूँ, कटिंग बता रही हूँ, पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी कंफ्यूजन ना रहे और जो बिगिनर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से आ जाए। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी हो गई जिसके मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और साइड भी ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमारा काम है बाजू को, जो हमारी मोहरी है उस पर हम पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये कपड़ा लिया है तिरछी पट्टी निकालने के लिए, तो हम तिरछी पट्टी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये चौरस कपड़ा आपको लेना है और इस तरीके से पट्टी निकालनी है। जितनी चौड़ी आपको निकालनी है उतना चौड़ा निकाल लें। तो मैं इस स्केल के जितना ही चौड़ा निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने पट्टियां काट ली हैं, तो चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं अपने स्लीव्स पे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी स्लीव और इसमें हम लगाएंगे अब तिरछी पट्टी। ये बॉटम का साइड है हमारा, तो इसमें हम पट्टी लगाएंगे सीधी तरफ से, इसको हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे और उल्टी साइड पलटा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से, जो हमारी तिरछी पट्टियां हैं इस तरीके से ज्वाइंट करके लंबी पट्टी बना लूंगी। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है, आप इस तरीके से कर लें इसको। और अब ये है हमारी स्लीव, यहाँ से इसको शुरू करेंगे सीधी साइड से लगाना। और इस पट्टी को आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको मोड़ूंगी और यहाँ पे रखूंगी इसको, यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। और बहुत ढीला छोड़ के आपको सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है ना स्लीव्स को और ना ही पट्टी को खींचना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने इस तरीके से कर लिया है, मार्जिन हमारा इधर ही रहेगा। और इसको इस तरीके से करके हम एक सिलाई इसके ऊपर चलाएंगे, जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पट्टी हमने लगा ली है और आप देखिए कितनी आसानी से तिरछी पट्टी गोल जगहों पे लग जाती है।
तो आप इसको अब इस तरीके से फोल्ड करके इसको पहले प्रेस कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे तुरपाई कर लें, या सिलाई भी कर सकते हैं पर तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको पहले हम प्रेस कर लेंगे और उसके बाद तुरपाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस पर प्रेस लगा ली अच्छे से, और आप प्रेस लगा के अच्छे से इस पर तुरपाई कर लें। तो तुरपाई करने के बाद हम इसमें इस तरीके से जॉइंट करेंगे, इस तरीके से रख के, और ये हमने यहाँ पे इसका मोरी का निशान लगाया था बॉटम का, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस पर जो इसको जॉइंट करेंगे स्लीव्स को, सबसे पहले जो हमारी स्लीव है हम उसको सीधा करेंगे। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है, और जिस पे हम इसको जॉइंट करेंगे इसको हम उल्टा ही रहने देंगे और अपनी स्लीव जॉइंट करेंगे। और ये वाला जो देखेंगे हम कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा कटा हुआ है ये कहाँ पे आएगी, सीधी तरफ आएगा, तो ये हमारा इस तरीके से इस तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी स्लीव का जो ये कट होता है ये कभी भी शोल्डर से मिलता नहीं है, इस वाले शोल्डर से। अगर जब ये इस वाले शोल्डर से नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो स्लीव है वो अच्छे से नहीं चढ़ी है। तो वो किस कारण होता है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो ज़्यादा कटा हुआ है पहले आपको इस तरीके से इसको मिलाना है, इस तरीके से मिला मिला के आपको नीचे तक ऐसे पूरा मिला के लाना है। और ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक झोल सा बन गया है, यहाँ पे इस झोल सा बन गया है, यहाँ पे हम हल्का कट लगा लेंगे। ये हमारा कट लग गया है। तो फ्रेंड्स ये जो कट लगाए अभी हम, हमारा जो स्लीव्स का जॉइंट होगा वो हमें यहीं से जॉइंट करना है, यहीं से पकड़ के। वैसे आमतौर पर यहाँ से करते हैं इस वाली सिलाई से, पर इस वाली सिलाई से नहीं करना है, यहाँ से करना है, जब भी वो आपका शोल्डर में आके सही बैठेगा कट। तो इस तरीके से हमें स्लीव हमारी सीधी है, इस तरीके से हमें अंदर करना है स्लीव को, नेक के वहां से ले जाके इस तरीके से, और ये हमारा स्लीव का जॉइंट है। और जो हमने अभी कुर्ती पे कट लगाया है वो ये है। तो आमतौर पे हम इस सिलाई से मिला के इस तरीके से रखते हैं, पर हमें यहां से मिलाना है इस सिलाई से, तभी हमारा शोल्डर और जो हमने बाजू में कट लगाया था वो मिल जाएंगे। चलिए लगा लेते हैं सिलाई इस तरीके से राउंड में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम गोलाई में लगाएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि आपको खींच के नहीं चलना है, ना ही कुर्ते को ना ही स्लीव्स को, तो आराम से बिल्कुल हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा शोल्डर का जॉइंट आ गया है और ये हमारा कट आ गया, ये दोनों मिल गए, तो समझिए कि आपकी जो स्लीव है वो बिल्कुल परफेक्ट अटैच हुई है। चलिए लगा लेते हैं सिलाई इस पे भी। और जो ये कुर्ते का मार्जिन आ जाता है इस तरीके से, और जो स्लीव्स का मार्जिन आता है, दोनों को हम बैक साइड में इस तरीके से मोड़ के और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो स्लीव्स का ये जो एक्स्ट्रा है ज़्यादा ही कुछ, इसको हम कट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये दिखता है, तो थोड़ा सा हम इसको कट कर लेते हैं, ज़्यादा मार्जिन हो तो कट कर लें। तो फ्रेंड्स हम इसको सीधा करके देख लेते हैं हमारी स्लीव किस तरीके से चढ़ी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी स्लीव्स चढ़ेगी, और दूसरी वाली स्लीव्स को भी आप सेम इसी तरीके से जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप भी उसी तरीके से जोड़ेंगे, तो कभी भी ये स्लीव छोटी या फिर बड़ी नहीं पड़ेगी। तो मेरी भी बिल्कुल परफेक्ट आई है, देखिए आप इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।